कंबाला कंबाला कंबाला, भैंस को धान की खेतों के कीचड़ में डाला और दौड़ा दिया, नाम दिया इसका मैंने कंबाला। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन में। हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी पारंपरिक खेलों का, जिन खेलों की वजह से वो राज्य न्यूज़ में रहता है। कंबाला कंबाला मैं कर रहा था क्योंकि कंबाला देखिए जो है वो है, कंबाला एक गेम है, एक खेल है, पारंपरिक खेल है, जिसमें भैंसे दौड़ाई जाती हैं धान के खेतों में। और कैसे होता है कर्नाटक, तो कर्नाटका में कंबाला होता है, कर्नाटक भैंस की दौड़ है जो कि धान के खेतों में कराया जाता है। इसके अतिरिक्त अभी चर्चित इसलिए हुआ है ऐसा पारंपरिक गेम क्योंकि महाराष्ट्र में 2017 से महाराष्ट्र में बंद किया गया था एक गेम जिसका नाम था बैलगाड़ी दौड़, बैलगाड़ी दौड़। तो इसे अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने शुरू करने का आदेश दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, सो फिर से अब ये चलेगा। तो बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र में होती है, ये हो गई सेशन। इसके अलावा जलीकट्टू बहुत चर्चित रहता है, जिसमें बैलों या सांड को दौड़ाने की बात की जाती है। जलीकट्टू, जलीकट्टू कहाँ है जलीकट्टू, हालांकि बहुत थोड़ा सा गलत भी है, इसमें बहुत ज़्यादा पशुओं के साथ अभद्र व्यवहार होता है, लेकिन फिर भी जलीकट्टू हमारा जो है वो तमिलनाडु में है, TN तमिलनाडु में, ठीक है, चेन्नई यही तमिलनाडु, चेन्नई याद रखिए। इसके अलावा बुलबुल, बुलबुल की लड़ाई होती है, बुलबुल लड़ाए जाते हैं, ये पारंपरिक है आसाम में, ठीक है, आसाम में बुलबुल लड़ाने की एक गेम की जाती है। इसके अलावा बहुत आप लोगों ने देखा होगा मुर्गा, इसका कोई पारंपरिक वो नहीं है, अपने यहाँ देसी वो नहीं है मुर्गा लड़ाई वाला, इसलिए इसको नहीं हम रखते हैं। तो हमने देखा जलीकट्टू, जलीकट्टू तमिलनाडु, कंबाला जिसमें भैंसों की दौड़ होती, कंबाला कर्नाटक, बुलबुल लड़ाना, बुलबुल की लड़ाई आसाम, और इसके अलावा बैलगाड़ी दौड़, ये है महाराष्ट्र में, ओके, चर्चित है काफ़ी, देख लीजिए इसको। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। कंबाला कंबाला कंबाला।